नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में जनता ने अपनी राय व्यक्त की है, तो आइए दिखाते हैं कि युवाओं ने क्या कुछ कहा हमारे ब्यूरो प्रमुख आशीष कुमार निषाद की इस रिपोर्ट में। तो आइए जान लेते हैं कि चुनावी चर्चा में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अतरौलिया विधानसभा में जनता की क्या राय है। नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हूँ आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में। ये बब्बर चौक नगर पंचायत अतरौलिया है। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी और 2022 का क्या चुनाव है। आइए मैं यहाँ बात करता हूँ, इस वक्त 2022 का चुनाव है और किसकी सरकार बनेगी। अखिलेश यादव। क्या अखिलेश यादव क्यों नहीं, योगी क्यों नहीं, इसके बारे में? योगी जी समय पर काम से बहुत खुश है, लेकिन अखिलेश यादव से पद पे चाहिए। क्या क्यों, ऐसा क्या कारण हो सकता है? बहुत सी कारण है, जैसे कोई कारण बताएं। महंगाई, रोजगार और ऐसी भी व्यवस्था जो इस सरकार में नहीं हो पा रही है। जैसे योगी ने दावा किया कि हम सबको आवाज़ दिए हैं, सबको क्या कहते हैं शौचालय दिए हैं और बहुत से काम ऐसा किए हैं, तो ऐसा आप क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? नहीं नहीं, ऐसे कुछ लोग जगह जगह है कि जहाँ आवास और टनरिया का आवास मिला है, लैट्रिन शौचालय मिला है, बाकी गांव ग्रामीण में चली जाए की कोई से व्यवस्था नहीं है। आइए हम दूसरे से भी बात करते हैं, यहाँ पे है एक और जी, बताइए इस वक्त 2022 में किसकी सरकार बनेगी? सपा की सरकार बनेगी। सपा क्यों क्यों, योगी क्यों नहीं? अरे सर, इतनी इस समय इतनी महंगाई है और महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं, फिर उनका एक मिशन जो सांड बछड़े वाला है, वो भी हम लोग किसान हैं, वो भी नुकसान कर रहे हैं सर। जितना बो के आए हैं गेहूँ, वो सब खा जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि हम बहुत काम किए हैं। काम तो उनका दिखना चाहिए ना, तो इतना महंगाई कहाँ से आया, सब लोग दिखना चाहिए काम ना, कहीं कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। गद्दा मुफ्ती के लिए क्या कहेंगे सरकार, दावा करी गद्दा मुफ्ती? हमारे क्षेत्र में कहीं भी सड़क का निर्माण उस तरह नहीं हो रहा है, कहीं हुआ कहीं तो नहीं हो रहा है। तो मतलब कि आपकी सरकार 2022 में किसकी बनेगी? सपा की बनेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव। अरे ये और लोग बात करते हैं, यहाँ पे युवा लोग हैं, युवा इस वक्त सरकार किसकी बनेगी आप बताइए? योगी जी की। योगी जी अखिलेश क्यों नहीं? उनके राज में बहुत सारा भ्रष्टाचार था। तो इसमें बताइए कि हमारे योगी जी ने क्या किया है कि उसकी उनकी सरकार बनी चाहिए? सबसे बड़ा देखिए, काशी देख लीजिए आप, अयोध्या देख लीजिए, चारों तरफ रोड का काम हो रहा है, यहाँ देखिए तहाँ हाईवे का काम चालू है। लेकिन जैसे यातायात बढ़ेगा, यातायात की सुविधा जब बढ़ेगी, हर जगह से तरक्की करेगा। जैसे आप कह रहे हैं एक काम का बता दीजिए, हम तो बताएं आवाज बहुत मिला, सब कुछ नहीं, एक काम का नाम बताइए। कोई काम है नहीं किए, चारों तरफ दिख रहा है आवास, हमारे गाँव मोहल्ले में या बाजार में पूरे कहीं भी एक कोई भी घर एक कच्चा नहीं बचा, सबको आवास मिला है। आप बताइए, ये कह रहे हैं सबको आवास मिला, किसी को ऐसा नहीं? हमको महंगाई बताएं, महंगाई कैसे 200 रुपए का तेल खाया जाए, 200 रुपए का नहीं, आवास के बारे में बताइए, अगर आवास सबको मिला तो क्या? नहीं, हमको आवास नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। चलिए, इनका कहना है कि रोजगार चाहिए और युवा खड़े हैं कि अजीब, बताइए इस बार किसकी सरकार? आवास के बारे में बताइए, अगर आवास सबको मिला तो क्या? नहीं, हमको आवास नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। चलिए, इनका कहना है कि रोजगार चाहिए और युवा खड़े हैं कि अजीब, बताइए इस बार किसकी सरकार? देखिए, जो विकास करे, जो तरक्की करे, वही उसी की सरकार बननी चाहिए। और मेरे यहाँ माना है कि बहुत सारे लोग जो है योगी सरकार से नाखुश हैं। वो क्यों क्यों योगी सरकार से क्यों नाखुश है, इसके बारे में? इसलिए खुद नाखुश है कि योगी सरकार, बाय द वे मान लीजिए आपने रोड बनवा दिया, आवास दे दिया, मगर जो अदरवाइज काम है जैसे किसानों का हुआ और रोजगारों का हुआ, ये नहीं मिल पा रहा है हमें। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावा कर रही है कि हमने बहुत कुछ किया है। ऐसा कुछ नहीं किया सरकार ने, सरकार अगर कुछ करती तो बहुत सारे लोग नहीं कहते कि योगी सरकार नहीं आनी चाहिए। कह रही है जैसे कह रही है अनाज फ्री बांट रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं और लोगों को गरीब दे रहे हैं, इसके लिए ये आवाज दे रहे हैं और भी राशन फ्री दे रहे हैं, मगर ये आप देखिए ना कि गैस कितना हो गया, पहले कितना था आपके समय में कितना है, पेट्रोल देख लीजिए पहले कितना था अब समय में कितना है। आप देखिए युवाओं कह रहे हैं कि पहले क्या था अब क्या है, और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए एक और है, इनसे फिर से बात करते हैं, युवाओं कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। तो बिल्कुल नहीं किया है, महंगाई इतनी बढ़ गई, देखिए ये मोबाइल है कहाँ 10 रुपये का लगा के सब लोग चार्ज गरीब आदमी कर लेते थे, आज 250-300 रुपया दे तो बताइए तो कहाँ से आए, गरीबों का तो इनकम भी बढ़ना चाहिए। आप लोग जैसे किसकी सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार चाहते हैं। मतलब यहाँ पे युवाओं का कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए,
क्योंकि अखिलेश यादव ने महंगाई पे, योगी की महंगाई पे लगाम नहीं कर पाए। मैं आशीष कुमार निषाद, टीवी 20 न्यूज़।